हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज है चांद रात, कल इंशाल्लाह होगी ईद और आज हम करने जा रहे हैं अपने घर का ईद डेकोरेशन। तो चलिए आप लोगों से आज की वीडियो शेयर करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी ईद डेकोरेशन में मैंने डेकोर आइटम्स बनाए हैं उसका DIY वीडियो आप लोगों से मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो देखिए, रमज़ान के लिए हमने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया था और अब यहाँ से हमने सारे सामान को हटा दिया है और एक एक करके सारे कर्टेंस को भी हटा रहे हैं। इस काउच को मैंने बेडरूम में रमज़ान तक के लिए रखा था तो इसे अब मैंने बाहर निकाल लिया है और वापस उसी जगह पे हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इस लाइट को लगाने वाले हैं इस जगह पे, और यहाँ के लिए हम पहले ही ट्रांसपेरेंट वाले कर्टेंस बना के रखे हैं क्योंकि इस जगह पे हमें लाइट्स लगानी थी। लाइट्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं मल्टी शेड वाली, और जब ट्रांसपेरेंट वाला कर्टेंस डालेंगे तो ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए, ये 20 मीटर की लाइट थी जिसे हमने पूरा खोल लिया है क्योंकि ये उलझ भी सकता था तो फिर हमें डालने में प्रॉब्लम हो जाती। तो इसे हम यहाँ पे आयरन नेल पे होल्ड कर रहे हैं, और ये देखिए पूरे स्लाइडर को हमने लाइट से कवर कर दिया है। अब हम डालने जा रहे हैं सारे जगहों पे कर्टेन। कर्टेंस डालने के बाद अब जितने भी डेकोर आइटम्स हैं उसे हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉल से। तो देखिए, कल है ईद और इस ईद मुबारक का बैनर लगाना तो बनता ही है। अब इसके दोनों साइड पे लगा देते हैं ये फ्रेम, इस पे लिखी है दुआ और इसे हम हैंग कर रहे हैं डोर के पास, और ये लास्ट दुआ फ्रेम को लगा देते हैं मिरर के ऊपर साइड। अब इस वॉल पे हम दोनों साइड लगवा रहे हैं हैंगिंग प्लांटर हुक। इस फ्रेम में लिखा था मोटिवेशनल कोर्स तो इस पे मैंने मिरर स्टिकर लगा दिया, और इसको रैंडमली बस हम वॉल पे लगा रहे हैं। अब इस दोनों हुक में हैंग कर रहे हैं DIY मून स्टार। इस प्लांटर में लगा है स्पाइडर प्लांट और इस प्लांटर में लगा है मनी प्लांट। तो दोनों प्लांटर को हमने दोनों साइड हैंग कर दिया है, एंड लास्ट मिडिल वाले हुक में लांटेन को हैंग कर दिया और इस वाले में टी लाइट कैंडल होल्डर को। सोफे के राइट साइड रख रहे हैं ये DIY राउंड टेबल, देन सोफे के साइड शिफ्ट कर रहे हैं ये आरिका प्लांट, प्लांट के बगल में ये टेबल, इसके ऊपर रख रहे हैं ये साइकिल और ये DIY लांटेन। अब आ गए हैं टीवी यूनिट साइड, तो इसके टॉप शेल्फ पे सारे DIY प्लांटर को रख देते हैं। ये जितने भी प्लांटर हैं सारे में मैंने लगाया है मनी प्लांट्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टीवी यूनिट के कॉर्नर पे रख देते हैं ये आर्टिफिशियल प्लांट, ये मेरे बेटे ने लेगो से बनाया है बुर्ज खलीफा, और इसे रख देते हैं हम टीवी के साइड पे जो बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से जितने भी डेकोर आइटम हैं इस पे रख देते हैं। ये मेरा DIY शोपीस 15-16 साल पुराना है जिसे मैंने अभी तक संभाल के रखा है। ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट DIY ट्री ब्रांच डेकोर आइटम है जिसे मैंने रख दिया है लॉबी साइड। इसके साइड पे हमने रख दिया है ये वुडन शेल्फ, और एक एक करके अब हम इसमें शोपीस रख रहे हैं। देन इस फ्रेम को शिफ्ट कर रहे हैं वापस से इसी वॉल पे जो लॉबी की फ्रंट वॉल है हमारी। अब एक एक करके इस कैनवस पेंटिंग को लगा रहे हैं इसके साइड पे। ये फोटो फ्रेम है जो गिफ्ट में मिला था, एक्चुअली हम पिक्स को घर में लगा के नहीं रखते हैं। फ्रेम की जो डिज़ाइन है झरोके जैसी बनी है तो इसलिए हमने सोचा इसे वॉल पे लगा देते हैं। अब इस कर्टेन रॉड पे हैंग कर रहे हैं ये क्यूट सा लांटेन, एंड लास्ट इस प्लांटर हुक में हैंग कर रहे हैं ये वुडन लांटेन। सो जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे हमने उसे डेकोरेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं सोफे पे कवर। अब देखिए, लेदर का जो सोफा होता है कोई भी कपड़ा उस पे जब बिछाओ तो वो मूव कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, तो इसलिए ये श्रिंक ना करे यहाँ पे हमने लिया है डबल साइडेड टेप। अब सोफे का जो ऊपर वाला हमने डाला है कवर उसके दोनों साइड कॉर्नर पे लगा देंगे इस तरह से, और इसे इस पे पेस्ट कर देंगे। ये ट्रिक 100% काम करती है। सो अगर आपके पास भी लेदर का सोफा हो तो इस तरह से कर लिया करें, कपड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं करता। चलिए, कवर को हमने लगा दिया है, अब एक एक करके कुशंस लगा देते हैं। ये सोफे का कवर हमने पुराने कर्टेन से बनाया है, इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आई बटन पे दिया हुआ है। सो इसमें का दो ही कर्टेन्स हमारे पास था जिसमें से सोफे का कवर बन पाया और कुछ पिलोज बनाई। सोफे का कवर मैच करते हुए हमने यहाँ पे लिया है अपनी पुरानी नेट की बेडशीट, तो इसे हमने डाल दिया है काउच पे। देन इसके ऊपर रख देते हैं ये कुशन पिलो, राइट साइड रख देते हैं छोटी वाली पिलो, और इसके लेफ्ट साइड रख देते हैं ये बड़े वाले कुशन। देन डाइनिंग टेबल के ऊपर डाल रहे हैं ये बेडशीट कवर, देन फ्लोर पे डाल रहे हैं ये ग्रास मैट, देन रख रहे हैं सेंटर टेबल। अब इसके ऊपर रख देते हैं ये मैट, इसके ऊपर मैंने रखा है राउंड टेबल, वास,
क्यूट सा पेन स्टैंड और ये क्यूट सा वास, और इसी तरह से डाइनिंग टेबल के सेंटर को डेकोर कर लेंगे। सेंटर टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो, इस तरह के छोटे छोटे क्यूट से शोपीस रखने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए, मैंने डाइनिंग टेबल के सेंटर ट्रे में ये ब्रास के क्यूट डाइनिंग सेट रख दिए, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है। सो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल रिवील। सबसे पहले हम आप लोगों को पूरा डेकोरेशन लाइट ऑफ करके दिखाएंगे, देन लाइट ऑन करके दिखाएंगे, एंड लास्ट देन डे का व्यू दिखाएंगे। देखिए गाइज, हम सबसे पहले आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो बनाते हैं बड़ी ही मेहनत लगती है, चाहे वो एडिटिंग हो, शूटिंग हो, DIYs हो, वॉट एवर। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देखते हैं। सो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं करना है फ्री में, बस आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब पे जाके। एंड लास्ट एक और बात, जब आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा करे तो लाइक एंड कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट किया करें। देखिए, घर को सजाना, DIYs करना, ये मुझे शुरू से शौक रहा है, बट जब से मैं YouTube में आई, स्पेशली आप ही लोगों के लिए आई, जो मुझे आता है वो आप लोगों से भी शेयर कर दूं, कि जिससे आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है। सो वैसे तो ये सभी यूट्यूबर के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी लोग सिखा रहे हैं, जितने भी लोग आए हैं, उसे आप लोग अप्रिशिएट किया करें, अगले को भी अच्छा लगता है बनाना और शेयर करना। सो अगर आप लोगों को कुछ ना भी अच्छा लगे तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उसको मैं इम्प्रूव करूँगी। इसके अलावा किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं, उसको भी मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि बना करके आप लोगों से शेयर करूँ। सो ये था आज का ईद डेकोरेशन वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो पता ही है क्या करना है, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। सो टेक केयर एंड बाय बाय।